दोस्तों, इसराइल फिलिस्तीन से जुड़ी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। काफी बड़ी खबर इसराइल से ये आ रही है कि अमेरिका, जो इसराइल का बहुत बड़ा एलाई था, और हमास, जो इसराइल का बहुत बड़ा दुश्मन है, वो दोनों आपस में डिफेंस डील कर रहे हैं। ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि इसराइल के जाने माने मीडिया संस्थान द जेरूसलेम पोस्ट ने छापी है और बताया है कि इसराइल का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका हमास के साथ डिफेंस डील करने वाला है। क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल में जानते हैं। अमेरिका और हमास की डिफेंस डील का ये चौंकाने वाला बयान किसी और के नहीं बल्कि इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से आया है। दरअसल दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच बहुत तेजी से सीजफायर पर बात चल रही है, जिसमें मीडिएटर का काम तीन देश कर रहे हैं, अमेरिका, इजिप्ट और कतर। सामने है इसराइल और फिलिस्तीन। इसी दौरान इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर ये बयान जारी करता है और इसके बयान को सुनकर लगता है कि ये कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बल्कि एक आतंकवादी है जो नेतन्याहू से भी ज्यादा खराब विचार रखता है। इसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुरंत रफा पर हमला किया जाए, जो गाजा का इकलौता बचा शहर है, जहाँ पर गाजा के लाखों लोग शरण लिए हुए हैं। इसने नेतन्याहू को धमकी भी दी और कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा अलायंस छोड़ दूंगा और तुम्हारी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा। साथ ही इसने ये कहा कि ये जो सीज फायर की डील हो रही है, ये पूरी तरीके से बेकार है। ये एक सीज फायर नहीं है बल्कि अमेरिका और हमास के बीच डिफेंस डील हो रही है। अमेरिका हमास को और फिलिस्तीनियों को बचाना चाहता है। हालांकि दोस्तों, अमेरिका इन्हें कितना बचाना चाहता है तो हम सभी जानते हैं, पर 6 से 7 महीने बीत चुके हैं और इसराइल को भी काफी ज्यादा नुकसान इसमें अभी भी हो रहा है, इसीलिए अमेरिका इस वार को रुकवाना चाहता है। लेकिन इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर, जिसके नाम में ही जलील शब्द आता है, इसका नाम है बेजलील स्मोटरिच, ये अपने विचारों से भी बेहद जलील लग रहा है। इसका कहना है कि सीज फायर न हो और जितने भी फिलिस्तीनी अभी बचे हुए हैं उनके ऊपर भी इसराइल की आर्मी अपने आतंकी हमले जारी रखे, और इसका कहना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये डील सीज फायर की डील नहीं होगी बल्कि हमास और गाजा के लोगों को बचाने की डील होगी। इसीलिए ये पार्टी छोड़ने तक की धमकी नेतन्याहू को दे चुका है। खैर दोस्तों, इसके कहने से कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर बड़े बड़े देश लगे हुए हैं तो ये देश जो चाहते हैं वही करेंगे। लेकिन अगर ये डील हो जाती है तो इसराइल की बेइज्जती भी इसमें होने वाली है, क्योंकि इसराइल 7 महीने में 40 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी में इतनी ज्यादा तबाही मचाने के बाद भी अपने कैदी नहीं छोड़ा पाया है। इस दौरान इसराइल ने दुनिया के सबसे लेटेस्ट फाइटर जेट्स और लेटेस्ट हथियारों का यूज किया, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो सका, इसीलिए उसने सीज फायर की डील को लगभग एक्सेप्ट कर लिया है। इस डील में अब भी इसराइल के सारे कैदी नहीं छूट रहे हैं बल्कि इसराइल के केवल 33 हॉस्टेज छोड़े जाने की बात हुई है। साथ में 6 हफ्तों तक ये सीज फायर रहेगा, यानी कि 6 हफ्तों तक इस डील के कम्प्लीट होने के बाद लड़ाई नहीं होगी और उसके बाद फिर से कंटिन्यू हो सकती है। साथ में इसराइल बहुत सारे फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ेगा जिसे उसने इलीगली पकड़ कर रखा हुआ है। हालांकि इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर बेजलील ये नहीं होने देना चाहता, इसीलिए वो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स को जारी कर रहा है। दोस्तों, बात की जाए कि ये सीज फायर की डील कहां तक पहुंची है, तो इस सीज फायर की डील को इजिप्ट की राजधानी कायरो में किया जा रहा है, जहां पर अमेरिका, इजिप्ट, कतर, इसराइल और फिलिस्तीन के ऑफिशियल्स मौजूद हैं और आपस में मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इस डील की लगभग सारी चीजें तो इन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है, पर इसराइल की खून की प्यास अभी नहीं बुझ पाई है, इसीलिए वो इस डील में केवल एक शर्त मानने को नहीं तैयार हो रहा है। यही वजह है कि ये डील अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी है। दोस्तों, इसराइल 40,000 से ज्यादा लोगों का खून चूसने के बाद अभी भी लाखों लोगों पर हमला करना चाहता है। इसराइल का कहना है कि हम सारी चीजें तो मानेंगे, पर हम रफा पर हमला करना चाहते हैं। रफा पर उसने ऑलरेडी हवाई हमले किए हैं, लेकिन उसकी सेना ने अभी तक रफा में इंटर नहीं किया है, जो कि फिलिस्तीन की गाजा पट्टी का सबसे आखिरी शहर है। उसका ही बॉर्डर इजिप्ट से मिलता है, जिसे रफा बॉर्डर कहा जाता है। फिलिस्तीन के ज्यादातर लोग रफा में शरण लिए हुए हैं, इनकी तादाद लाखों में है और यहाँ पर हालात ठीक नहीं है। लेकिन इसराइल इस शहर पर हमला करके यहाँ पर भी तबाही मचाना चाहता है और इसीलिए उसने सारी शर्तें तो मान ली है, पर इस शर्त को मानने से इनकार कर रहा है कि यहाँ पर हमला ना करे। हालांकि ये हमला इसराइल 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से करना चाह रहा है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं कर सका है? इसलिए नहीं कर सका है क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश भी उसे इस मामले में सपोर्ट फिलहाल नहीं कर रहे हैं और ऐसा करने से मना कर रहे हैं। लेकिन इन देशों ने अगर इशारा कर दिया तो वो ये काम भी करेगा, उसके बाद ही ये सीज फायर की डील आगे बढ़ पाएगी। दोस्तों, अगली खबर अमेरिका से है। आज भले ही बहुत सारे मुस्लिम देश और वहाँ के मुस्लिम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करने में लगे हुए हैं और बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक उड़ा रहे हैं, भले ही वो इजरायली प्रोडक्ट हो, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के छात्र फिलिस्तीनियों के लिए कोल्ड ड्रिंक के अपना घर बार छोड़ने को तैयार हैं और अमेरिका की लगभग हर यूनिवर्सिटी में इनकैंपमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसको लेकर 2,000 से ज्यादा अमेरिकन को अमेरिका की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि वो लोग सही चीज का साथ दे रहे थे, चाहते
तो वो भी इजरायली प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका की लगभग हर बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिन्हें रोकने की पूरी कोशिश अमेरिकी सरकार और वहाँ की पुलिस कर रही है। इसके लिए उसने गोलियां भी चलाई, बहुत से लोग घायल भी हुए और 2000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। दोस्तों अगली खबर है इसराइल के उत्तरी बॉर्डर से, जहाँ पर एक तरफ हिजबुल्ला है, दूसरी तरफ इसराइल है। वहाँ की टेंशन भी अलग लेवल पर बनी हुई है। साथ ही हमें इसराइल और उसके लोगों का असली चेहरा भी पता चल रहा है। दरअसल दोस्तों किसी भी लड़ाई के मैदान से भागते वही लोग हैं जो हिस्ट्री के सही साइड पर नहीं होते, यानी कि वो गलत होते हैं तो मैदान छोड़कर भाग लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो जोश नहीं आ पाता जो अपने देश को और अपनी सीमाओं को बचाने के लिए आना चाहिए। इसराइल के लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत बड़ी खबर ये है कि इसराइल का उत्तरी टाउन, जिसे कहा जाता है क्रियत शिमोना, वो एक घोस्ट टाउन बन चुका है। मैंने आपको बताया था कि क्रियत शिमोना टाउन के ऊपर हिजबुल्ला ने लेबनान की तरफ से बहुत सारी मिसाइल फायर की थी। अपनी जान गंवाने के डर से इसराइल के ज्यादातर लोगों ने इस शहर को खाली कर दिया। उत्तरी इसराइल के बहुत सारे टाउन्स और शहरों को इसराइल के लोग खाली करके भाग रहे हैं, भागकर यूरोप में जा रहे हैं जहां से वो आए थे, यानी कि अपने असली घर की तरफ जा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि 60,000 से ज्यादा लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है, जिनमें से सबसे ज्यादा खाली क्रियत शिमोना हुआ है। ये इतना ज्यादा खाली हो गया है कि यहाँ पर अब बहुत सारी जगहों पर इजरायली मिलिट्री ने अपने बेसेस बना लिए हैं जो लेबनान का मुकाबला कर रही है। यहाँ के ज्यादातर लोग, जब इजरायल और फिलिस्तीन की जंग शुरू हुई थी और लेबनान की तरफ से भी हमले स्टार्ट हो गए थे, तभी वो अपना घर छोड़ छोड़कर यहाँ से भागने लगे थे। बहुत सारे लोग यूरोप चले गए, बहुत सारे लोग इसराइल के दूसरे शहरों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ या होटल्स में जाकर रहने लगे, ताकि वो अपनी जानों को बचा सकें। इससे हमें ये क्लियरली पता चलता है कि कौन हिस्ट्री के राइट साइड है और कौन रॉन्ग साइड है। दोस्तों इसराइल के ऊपर तुर्की ने जो सैंक्शन लगाए हैं, यानी उसके साथ अपना एक्सपोर्ट बंद किया है, उससे इसराइल को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंच रहा है। और ऐसी खबरें इजरायली मीडिया खुद छाप रहा है कि इस लड़ाई के दौर में जहां इजरायली इकोनॉमी को सपोर्ट की जरूरत है, वहीं तुर्की की तरफ से ये उठाया गया कदम उसकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका देगा।